हेलो एवरीवन, दिस इज आरती, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चॉकलेट सैंडविच। ये सैंडविच बॉम्बे के एक स्ट्रीट फूड वेंडर पे बहुत फेमस है। मैंने सोचा क्यों ना हम इसको घर पे रेप्लिकेट करें। आप इसको प्लीज़ बनाइए अपने लिए, बच्चों के लिए, उनको बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं थ्रू आउट द वीडियो आपको टिप्स बताऊंगी जिससे ये आपका चॉकलेट सैंडविच बहुत अच्छा, बिल्कुल स्ट्रीट फूड जैसा बने। ये रेसिपी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट aartimadan.com पे रखूंगी। आप प्लीज़ उसका लिंक चेक करिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना डिलिशियस चॉकलेट सैंडविच। इसके लिए हम लेंगे चीज। मैंने एक क्यूब को ऑलरेडी ग्रेट किया है, बटर, न्यूटेला, 4 स्लाइसेस ऑफ वाइट ब्रेड, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, और चॉकलेट। यहाँ मैंने डार्क सेमी स्वीट चॉकलेट ली है, आप अपने पसंद की कोई भी चॉकलेट लें और उसको फाइनली चॉप करें ताकि वो मेल्ट होते वक्त ईजिली हो जाए। अब आप दूसरी तरफ ब्रेड स्लाइसेस पे बटर लगाएं। अभी हम एक तरफ बटर लगाएंगे। मैंने बटर को ऑलरेडी फ्रिज से बाहर निकाल दिया था ताकि वो रूम टेम्परेचर का हो जाए, जिससे बटर लगाना बहुत ईजी हो जाता है। दूसरी तरफ हम लगाएंगे न्यूटेला। न्यूटेला चीज़ और चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत डिलिशियस होता है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिए और आप भी इस बात को मान जाएंगी कि ये कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। अब हम इस पे डालेंगे चीज़। चीज़ विल गिव अ वेरी नाइस चीज़ी टेक्सचर। मैं बहुत नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा डाल रही हूँ फॉर फ्लेवर। इसके बाद अब हम इस पे डालेंगे चॉकलेट। चॉकलेट आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, आपको जितनी भी पसंद हो। मुझे चॉकलेट पसंद है तो मैं थोड़ी ज़्यादा डालूँगी। आप ध्यान रखिए कॉर्नर्स पे ना डालें वरना वो ऊज आउट हो जाएगी। अब इसको हम एक ब्रेड स्लाइस से कवर करेंगे, फिर आप अपने हाथ से इसको प्रेस करिए। ब्रेड के आउटर सरफेस में हम फिर से बटर लगाएंगे। ध्यान दीजिए आप कॉर्नर्स और साइड्स में भी बहुत अच्छे से लगाइए ताकि जब आप इसको टोस्ट करें पैन पे तो इसका जो कलर है वो इवन आए, चारों तरफ से वो क्रिस्पी और गोल्डन कलर का हो। अब हमने पैन गरम किया है और बटर्ड साइड को मैं टॉस करूंगी तवे पे। अब आप इस पे फिर से थोड़े बटर लगाइए। अब 2 से 3 मिनट बाद हम इसको पलटेंगे। आप बीच बीच में ध्यान देते रहिए कहीं वो जले नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन आया है। मैंने इसको 2 से 3 मिनट और टोस्ट किया क्योंकि मुझे बहुत क्रिस्पी पसंद है। अब आप इसको अपने फेवरेट शेप में कट कीजिए और इंजॉय करिए योर डिलिशियस चॉकलेट न्यूटेला एंड चीज सैंडविच। आई होप आपको ये चॉकलेट सैंडविच रेसिपी पसंद आई। प्लीज़ आप इसको घर पे बनाइए अपने लिए, फैमिली मेंबर्स, लव्ड वंस, बच्चों के लिए, और इन्जॉय करिए। एंड टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आगे भी बहुत डिलिशियस यमी रेसिपीज आपके लिए लगातार बनाती रहूँगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज आरती, कीप एन्जॉइंग गुड फूड।